गोवर्धन पीठ पुरी शंकराचार्य मानस संगठन पीठ परिषद अंतर्गत आदित्य बाहिनी और आनंद बाहिनी ओडिशा प्रदेश एक अग्रिम सेवा संगठन भाव कार्य करुचे। संगठन स्थिति समीक्षा पाई पुरी गोवर्धन पीठ प्रतिनिधि भाव आदित्य बाहिनी अंतराष्ट्रीय संयोजक ऋषिकेश ब्रह्मचार्य ओडिशा संथ संयोजक तथा स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती जी को उत्तराधिकारी स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती आदित्य बाहिनी प्रदेश अध्यक्ष श्री पूर्णचंद्र खुंटिया प्रदेश महासचिव श्री शुभेन्दु स्वाई ओडिशा प्रदेश संथ समितिर सदस्य श्री महेश साहू पीठ परिषदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश मार्गदर्शक श्री हेमंत कुमार दास मध्य ओडिशा संगठन सचिव श्री वरुण साहू प्रमुख उपस्थित थे। मध्य विभाग पांचटी जिला बौद्ध देवगढ़ ढेंकनाल फुलवाणी अनुगुल समस्त पदाधिकारी उपस्थिति सांगठनिक समीक्षा बैठक मध्य विभाग पांचटी जिला बौद्ध देवगढ़ ढेंकनाल फुलवाणी अनुगुल समस्त पदाधिकारी उपस्थिति सांगठनिक समीक्षा बैठक शैलाशी क्षेत्र जगन्नाथ मंदिर वेद भवन ठीक आगामी वर्षर लक्ष्य उद्देश्य आभिमुख्य संपर्क में आलोचना होता सामूहिक रूपे एक सफे सेवा कार्य जगन्नाथ मंदिर में करा कार्य अपराह्न एक सामूहिक विचार संगोष्ठी रखा जाता जो अनुगुल विभिन्न संगठन एक कार्यक्रम जोगद आसंता तीन वर्ष में भारत हिंदू राष्ट्र निर्माण में पूज्यपाद शंकराचार्य महाभाग जो संकल्प नहीं किपर घरे घरे पहुंचाइबा से लक्ष्य नहीं सामूहिक भाव कार्य करतु यह लक्ष्य। प्रदेश पीठ परिषदर सचिव पंडित रोहित कुमार दास मध्य विभाग संपर्क सचिव श्री सौरी रंजन पंडा कार्यक्रम को संयोजना करथिबा बेले अनुगुल शाखार क्षेत्रीय संपादक विजय कुमार त्रिपाठी समेत आदित्य बाहिनी और आनंद बाहिनी सभापति ललित मोहन दास संपादक मानस रंजन मिश्र समेत समस्त पदाधिकारी एवं गुरु भाई और भौणी माने कार्यक्रम परिचालना करथिले। ताजर बौद्ध इत्यादि इन पांच जिलों में संगठन के विस्तार के लिए नई शाखाओं को बनाने के लिए हमारे सभी जिलों के जो हमारे कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी हैं वे सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और दो सत्र में सुबह और शाम को दो सत्र में गोष्ठी हुई उसमें हम लोगों ने मिलकर चर्चा की है। यहाँ और भी सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाली विविध संस्थाएं हैं विशेषकर अंगुल क्षेत्र में उनके भी पदाधिकारियों को सदस्यों को हम लोगों ने निमंत्रण दिया था उन सबके साथ भी बैठकर हम लोगों ने चर्चा की। तो इसका मूल उद्देश्य अगर मैं दो बिंदु में आपको बताना चाहूं तो पहला बिंदु है संस्था का विस्तार और सक्रियता एक बिंदु ये। दूसरा बिंदु ये है कि विविध संस्थाएँ जो आज हमारा समाज छोटी छोटी संस्थाओं में बटा हुआ उन संस्थाओं को क्योंकि आदित्य वाहिनी श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा स्थापित संस्था है सार्वभौम धर्मगुरु हैं शंकराचार्य हमारे उनके द्वारा स्थापित ये संस्था है। तो इस प्लेटफॉर्म में जो छोटी छोटी संस्थाओं में विभक्त लोग हैं उन सबको यहाँ पर एकत्रित करना एक प्लेटफॉर्म में लाना एक पृष्ठभूमि में लाना और एक पृष्ठभूमि में ला करके राष्ट्र की सेवा में बड़े परिणाम को जन्म देने वाली स्थिति उत्पन्न करना इसके लिए हम लोगों ने एवं समग्र संगठन को प्रत्येक क्षेत्र में आपको पांच भाग में विभक्त कराई से प्रदेश को पांच भाग में विभक्त कराई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य आज प्रथम कर प्रथम दुई वर्ष करोना पर सांगठनिक रूपरेख को पर्यवेक्षण करने अवलोकन करने समीक्षा करने उद्देश्य कार्यकर्ता मान मध्य विभाग बैठक अनुषित होता एवं समस्त कार्यकर्ता मानू पूज्यपाद गुरुदेव जो लक्ष्य रही आगामी साढ़े तीन वर्ष में हिंदू राष्ट्र हे समग्र भारत वर्ष से ही क्षेत्र में कमी शाणित भाव कार्य करेंगे तापी समस्त प्रशिक्षण शिविर थी समय प्रशिक्षण अनुगुल दीप्तिरंजन दास का रिपोर्ट ए1 ओडिशा।